Hello 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 एक मिनट हेलो 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 गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जल्दी से ऑनलाइन जाइए बच्चों बच्चों फिटर फिटर वालों की एक बहुत दिनों से बच्चों डिमांड आ रही थी कि सर ऑनलाइन एमसीक्यू का सेशन जो है फिटर वालों के लिए भी चलाया जाए इसी सिलसिले में बच्चों हमने जो है आ, अब एमसीक्यू वेल्डर और फिटर दोनों के लिए चलेगा बच्चों अभी शुरू में अल्टरनेट चलेगा बच्चों जैसे अब आज अगर मंडे है तो आज फिटर वालों के लिए कल वेल्डर वालों के लिए उसके बाद आ, फिटर वालों के लिए तो ऐसे अल्टरनेट डे में जो है आप लोगों के लिए जो है सेशन जो है वो चलेंगे ऐसे चलेंगे बच्चों तो तैयार हो जाए बच्चों आप सभी लोग, सभी लोग लोग अब फिटर वालों के लिए एमसीक्यू सेशन जो है हमारा चलाएंगे इससे पहले बच्चों अगर आप लोगों ने बच्चों अगर आप लोगों ने बार के, के लिए अगर आप बार के, के लिए पढ़ रहे हैं और आप बार के लिए कोई डेडिकेटेड कोर्स जो है अगर आप चाहते हो एक डेडिकेटेड कोर्स के साथ जो है प्रिपरेशन की जाए तो हमारा जो बच्चों बार का आई फिटर और आई वेल्डर दोनों के लिए जो बच्चों कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है आप हमारे मेक इट इजी ऑनलाइन क्लास जो आपका ऐप है वहाँ पर जाके बच्चों आप सीधे जो है वहाँ से जो है हमारा ये कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं इसके अलावा बच्चों हमारा जो आपका ई कंटेंट है फिटर के लिए एक हैंडबुक ई कंटेंट के फॉर्म में हमने एक निकाली है और इसको आज ही बच्चों हमने रिलीज करी है आज ही उसकी आ, आ, डेमो क्लास अभी हमने ली थी इससे पहले तो वो भी बच्चों आपको सेम ऐप में जाके ईबुक सेक्शन वाले जाब में वहां से आप जो है परचेज कर सकते हैं तो शुरुआत करते हैं बच्चों शुरुआत करते हैं आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से क्यों हो रहा होगा एक मिनट एक मिनट बच्चों में से बड़े वृत्तों की रूपरेखा तैयार करने के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाने वाले उपकरण का चयन कीजिए जल्दी से बताइए राइट आंसर जल्दी से दीजिए जल्दी से डिवाइडर हर्मोफ्राइट कैलिपर ट्रेमल या फिर स्क्राइबर जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों राइट right आंसर बच्चों राइट right आंसर क्या होगा राइट right टाइम का क्या होगा आपका राइट right आंसर होगा आपका ट्रेमल राइट right आंसर क्या होगा इसका आपका ट्रेमल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न निर्माताओं द्वारा कास्टिंग पैटर्न और कोर बॉक्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है फ्लेक्सीबल रूल शॉर्ट रूल रूल या फिर हुक रूल कौन सा यूज करते हैं बच्चों तो इसके लिए हमेशा यूज करते हैं बच्चों हम सरिंक रूल इसके लिए ये यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों स्क्राइबर बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री का चयन कीजिए इस प्रकार स्क्राइबर इस जो होता है वो सामान्यतः आम तौर पर अगर मैं बात करूं तो आम तौर पर अगर मैं बात करूं तो किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है तो स्क्राइबर को सामान्यतः जो मटेरियल का हम यूज किया जाता है उसको क्या जाता है बच्चों माइल्ड स्टील किसका कहता था माइल्ड स्टील नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों नेक्स्ट nice क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट nice क्वेश्चन पे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन बच्चों मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में कॉपर के अलावा मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में कॉपर के अलावा निम्नलिखित में से कौन से तत्व होते हैं निम्नलिखित में से कौन से तत्व होते हैं तो मिश्र धातु जर्मन सिल्वर जो आपका होता है बच्चों उसमें क्या क्या होता है आपका मिश्र धातु आपका जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें आपका कॉपर जिंक एंड निकिल होता है वो अलॉय होता है आपका कॉपर जिंक एंड निकिल का नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बच्चों निम्नलिखित में से बियरिंग बूस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है तो कौन सा पदार्थ होता है बच्चों गन मेटल सामान्यता इनमें से इनकोलर नहीं पीतल बच्चों लोह सामान्यतः सबसे ज्यादा जो हम इन में से जो यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे गन मेटल निम्नलिखित में से उसने पूछा हुआ बियरिंग मेटल तो यहां पर हम कौन सा यूज करेंगे बच्चों यहां पर हम करेंगे गन मेटल बच्चों निम्नलिखित बिकॉज सेलेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द डिजायरेबल हार्डनेस ऑफ फाइल फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन जो आपकी फाइल होती है उसकी जो हार्डनेस सामान्यता होती है बच्चों वो कितनी होती है तो सामान्यता जो फाइल आपकी यूज करते हैं उसकी जो हार्डनेस होती है सामान्यता कितनी होती है बच्चों आपकी 60 एचआरसी मतलब रॉकवेल हार्डनेस आरसी का मतलब रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट ऑन सी स्केल तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो 60 एचआरसी जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा मैं बच्चों पेन इसलिए नहीं चला पा रहा हूं आज थोड़ा सा पीपीटी में प्रॉब्लम हो रही है ठीक तो इसलिए मैं पेन नहीं चला पा रहा हूं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों निम्नलिखित में से एक लेथ में काम को होल्ड करने के लिए प्रयुक्त उपसाधन नहीं है इनमें से कौन सा लेथ को वर्क होल्डिंग एसेसरी नहीं है या फिर मैं कहूं वर्क सपोर्टिंग डिवाइस नहीं है

फिर वर्क होल्डिंग एसेसरीज में आपकी आती है तो सेल्फ सेंटरिंग चक जो है वो होल्डिंग डिवाइस है तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा आपका सेल्फ सेंटरिंग आपका चक राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेन हुक आमतौर पर बने होते हैं क्रेन के जो हुक होते हैं वो सामान्यतः इनमें से किसके बने होते हैं बच्चों किसके बने होते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों क्रेन का जो हुक होता है वो रॉड आयरन रॉड आयरन का बना होता है किसका बना होता है आपका रॉड आयरन का सामान्यतः बना होता है तो क्रेन का हुक सामान्यतः रॉट आयरन का आप बनाते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रिल बिट में फ्लूट कोण को कहते हैं फ्लूट का जो आपका कोण होता है ड्रिल बिट में उसको आप क्या कहते हैं जल्दी से बताइए बच्चों उसको क्या कहते हैं तो ड्रिल बुट का जो फ्लूट कोण होता है उसी को तो हम क्या कहते हैं बच्चों उसी को हम क्या कहेंगे आपका हेलिक्स कोण कहेंगे फ्लूट का जो आपका कोण होता है उसी को हम क्या कहते हैं आपका हेलिक्स है एंगल क्या कहेंगे उसको हेलिक्स एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम ग्यारहवा क्वेश्चन एक छेनी में कट उत्तरोत्तर बढ़ता है यदि इन चीजल अ कट प्रोग्रेसिव इंक्रीज इफ क्लियरेंस एंगल ज्यादा है क्लियरेंस कोण शून्य है या फिर बच्चों जो रैक एंगल हाई है या झुकाव कोण आपका गम हो तो बच्चों इन कट प्रोग्रेसिव इंक्रीज कट इफ इफ क्लियरेंस एंगल इज हाई एक में कट जो होता है वो बढ़ता है यदि आपका क्लियरेंस एंगल जो होता है वो क्या होता है आपका ज्यादा होता है क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों next question पर आ जाते हैं आप next question, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार बच्चों आपका बेंच वाइज का स्पिंडल बनाने के लिए सामग्री बेंच वाइज का जो स्पिंडल होता है उसको किस से बनाया जाता है किस धातु से बनाया जाता है तो बेंच वाइज का जो स्पिंडल होता है उसको सामान्यतः किस धातु से बनाया जाता है माइल स्टील या फिर आपका टूल कास्ट आयरन या टूल स्टील या फिर आपका ब्रॉन्ज तो बच्चों बेंच वाइस का स्पिंडल किसके से बनाया जाता है बच्चों जल्दी से इसका राइट right आंसर आप बताइए मुझे बेंच वाइस का स्पिंडल जो होता है वो किस चीज से बनाया जाता है जल्दी से बताइए बच्चों बेंच वाइस का स्पिंडल बनाने की सामग्री मुझे जल्दी से बताइए बच्चों किसने है क्योंकि इस क्वेश्चन को बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन जो है इसरो में पूछे गए हैं इसरो में पूछे गए हैं क्लियर हो गया तो इसरो और उनकी अपनी आंसर सीट भी आती है उनकी अपनी आंसर सीट भी आती है तो बच्चों यहाँ पर उनके आंसर सीट में जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है आपका वो दिया गया है आपका कास्ट आयरन ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके आप बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं माइल्ड स्टील को काटने के लिए जो आप आ, चीजल यूज करते हैं उसका कटिंग एंगल कितना होना चाहिए तो माइल्ड स्टील को काटने के लिए जो आपका कटिंग एंगल जो होना चाहिए बच्चों कितना होना चाहिए आपका पचपन डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है पचपन डिग्री जो है माइल्ड स्टील को काटने के लिए छेनी का सबसे उपयुक्त कटिंग एंगल होता है इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है आ, हैंड टैप के उस हिस्से को पहचान करें जो थ्रेड कटिंग के लिए टैप रिंच जो थ्रेड कटिंग के लिए टैप रिंच से जुड़ा होता है उसको कहेंगे, कहेंगे, कहेंगे या फ्लूट कहेंगे क्या कहेंगे बच्चों उसको उसको क्या कहेंगे हैंड टैप के उस हिस्से को पहचान करें तो थ्रेड कटिंग के लिए रिंच से जुड़ता है तो कौन जुड़ता है कौन जुड़ता है सैंक की तो आपका टैप रेंज से जुड़ता है उसी पर वो घुसता है फिर जाके आपका घूमता है तो कौन सा पार्ट होगा आपका वो होगा आपका सैंक बच्चों कौन सा होगा आपका सैंक नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से अधिक गहराई वाले थ्रेड को चिन्ह निम्नलिखित में से किस थ्रेड की सबसे अधिक गहराई होती है कौन सा थ्रेड जो है इनमें से ऐसा है जिसकी सबसे अधिक गहराई होती है चौदह फोर्टीन बच्चों ठीक तो कौन सा गहर होता है सबसे अधिक गहराई वाला जो थ्रेड होता है वो कौन सा होता है बच्चों वो होता है आपका वो थ्रेड कौन सा होता है आपका वो क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों छोटे ब्यास के छिद्रों को फिनिश करने के लिए छोटे ब्यास के छिद्रों को छोटे ब्यास के छिद्रों को फिनिश करने के लिए किस स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है Which scraper is used to finish hole of small diameter hook scraper flat scraper bull nose scraper या फिर आपका त्रिकोणीय स्क्रैपर जल्दी से बताइए बच्चों छोटे व्यास के चीजों को फिनिश करने के लिए कौन सा स्क्रैपर यूज किया जाता है तो बच्चों आ, पूछा गया क्वेश्चन है ये इसरो में आपसे पूछे गए क्वेश्चन है तो वहां पर जो स्क्रैपर यूज किया जाता है बच्चों आपका ट्रायंगुलर स्क्रैपर यूज किया जाता है क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है बच्चों ग्राइंडिंग व्हील की विशिष्टता 50 C46 H5 E18 में H अक्षर क्या दर्शाता है H क्या दर्शा रहा है बच्चों क्या हो गया इसमें 50 C46 H5 E इसमें एच क्या दर्शा रहा बच्चों एच कौन सा है वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ नंबर पे आपका क्या है आपका एच है यहाँ पर तो एच यहाँ पर क्या दर्शाता है तो बच्चों हमेशा क्या का अल्फाबेट तो होता है कौन सा दूसरा अल्फाबेट जो होता है ये हमेशा पहला अल्फाबेट ये है दूसरा अल्फाबेट कौन सा आपका ये है तो पहला अल्फाबेट आपका क्या दर्शा रहा है एच क्या दिखा रहा है आपका ग्रेड दर्शा रहा है बच्चों क्या दिखा रहा है ग्रेज इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सेवनटीन में आते हैं ड्राइंगिंग फिट ड्राइविंग फिट फिट के किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है ड्राइविंग फिट क्लियरेंस फिट ट्रांजिशन फिट इंटरफेरेंस फिट या वर्गीकृत नहीं किया गया है जल्दी से बताइए बच्चों किस में आता है आपका ड्राइविंग फिट किस में आता है आपका क्लियरेंस फिट ड्राइविंग फिट फिट के किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है क्लीयरेंस फिट ट्रांजिशन फिट इंटरफेरेंस फिट या इनमें से आपका कोई नहीं जल्दी से बचाओ राइट आंसर बताइए जल्दी से राइट आंसर बताइए इंटरफेरेंस फिट कौन सी फिट है इंटरफेरेंस फिट बिल्कुल राइट आंसर बचाओ बिल्कुल राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन उस भाग का नाम बताइए उस भाग का नाम बताइए जिसमें वर्निकर कैलिपर का डेफ्थ बार जुड़ा होता है उस भाग का नाम क्रेज जिसमें डेफ्थ बार जुड़ा होता है तो हमेशा डेफ्थ बार बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों किसमें जुड़ा होता है मूवेबल मूवेबल जॉ जॉ

ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रू वैल्यू और मापित वैल्यू के बीच को अंतर को रूप में जाना द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मिजर्ड वैल्यू मिजर्ड वैल्यू उसको क्या किया जाता है एरर ऑफ मेजरमेंट प्रिसेशन टॉलरेंस या फिर नॉन ऑफ द एव तो इसी को तो बच्चों हम क्या कहते हैं इसी को क्या कहते हैं ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो आपका डिफरेंस होता है उसी को तो हम क्या कहते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट क्या कहते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों

सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियट फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द फंक्शन ऑफ टैब वॉशर थ्रेड कटिंग मोटिंग फास्टनरों के बीच को कम करना, फिक्शन बिटवीन मैटिंग फास्टनर वाइब्रेशन से बचना या नट को लॉक करना जल्दी से बताइए बच्चों इसका राइट आंसर बचाइए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियट फ्रॉम फॉलोइंग विच इज अ फंक्शन ऑफ टेब वॉशर का क्या काम है तो टैब वाशर का क्या हुँ, क्या था? नट को लॉक करना टैब वाशर अगर आपने पढ़ा होगा नट को लॉक करना क्लियर हो गया नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाते हैं निम्नलिखित में से किसमें नट के ऊपरी भाग में नाइलन या फाइबर रिंग इंसर्ट लगा होता है सोन नट वायरल

लॉक हो जाता है क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अपघर्षक नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अचुरल एवरेसिव क्वार्ड सिलिकन कार्वाइड कोर या डायमंड कौन सा इसमें प्राकृतिक अपघर्षक नहीं है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अचुरल एवरेसिव क्वार्स नेचुरल है सिलिकन कार्वाइड नेचुरल है या नहीं, नहीं है क्वार भी बच्चों नेचुरल है कोरडम भी नेचुरल है हीरा भी आपका नेचुरल है लेकिन सिलिकन कार्वाइड जो है वो आपका नेचुरल नहीं है क्लियर हो 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 गया तो राइट आंसर जो जो जाएगा जाएगा वो क्या कार्बाइड है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे जो क्वेश्चन बढ़ता है उस उष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी उपकरण को सख्त करने के लिए आ, करने के लिए आवश्यक कठोरता का गुण प्राप्त करने के लिए उसे फिर से गर्म और ठंडा किया जाता है नेम द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच आफ्टर हार्डनिंग अ टूल इट इज रीहीटेड एंड कूल्ड टू गेट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ टफनेस टेम्परिंग नॉर्मलाइजिंग हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग कौन सी बच्चों इसी को तो हम क्या कहते हैं टेम्परिंग करते हैं क्या करेंगे टेम्परिंग उस उसमें उपचार प्रक्रिया का नाम बताया जिसमें किसी उपकरण को सख्त करने के बाद आवश्यक कठोरता का गुण प्राप्त होने उसमें फिर से गर्म और ठंडा किया जा सकता है इसी को हम क्या कहते हैं टेम्परिंग कहते हैं वेरी गुड इसी को हम क्या कहते हैं टेम्परिंग बड़े व्यास के कई छिद्रों को ड्रिल करने के लिए ड्रिलिंग मशीन चुनें। चूज अ ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल ऑफ लार्ज डायमीटर कौन सा सेंसिटिव ड्रिल मशीन यूज करेंगे पिलर कॉलम या रेडियल ड्रिल मशीन यूज करेंगे तो बच्चों रेडियल अगर आपने पढ़ा होगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो है बड़े व्यास के कई अगर करने हो बड़े जॉब पर यूज करने हो जिस जॉब को ड्रिल मशीन के पास नहीं लाया जा सकता है ऐसे जॉब को अगर करना हो तो बच्चों ऐसे के लिए हम क्या करते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं क्लियर हो गया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आयस के प्रगलन में हमें प्राप्त होता है बाई स्मेल्टिंग आयरन और वी गेट ढलवा लोहा कच्चा लोहा पिटवा लोहा और निम्न कार्बन स्टील तो बच्चों ये तो आप सभी को पता है पिग आयरन हमें मिलता है लोहो पी ऑफ आयरन एक प्रोसेस है जब हम आयरन ओर की करते हैं तो हमेशा रखना बच्चों हमें पिग आयरन मिलता है कौन सा मिलता है कच्चा लोहा मिलता है कौन सा मिलता है कच्चा लोहा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों इंजीनियरिंग वाइज का आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है द साइज ऑफ इंजीनियरिंग वाइज इज स्पेसिफाइड बाय कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है आपका साइज ऑफ इंजीनियरिंग वाइज तो जॉ की जो व्यथ होगी जितने बड़े आपके जॉ होंगे जितने चौड़े आपके जॉ होंगे उससे उतना जो है आपका साइज जो है इंजीनियरिंग वाइज का बड़ा होगा तो जॉ वृथ से जो है हम इसको स्पेसिफाइड करते हैं क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाते हैं बच्चों द सरफेस गेज इज अ सरफेस गेज क्या है सरफेस गेज क्या है जल्दी से बताइए बच्चों सरफेस गेज क्या है तो सरफेस गेज एक मार्किंग टूल है कटिंग टूल है ड्रिलिंग टूल है, या फिर आपका टूल है। तो सरफेस गेज जो है बच्चों, वो क्या है आपका मार्किंग टूल है क्लियर हो गया हमेशा सरफेस गेज आपका क्या है मार्किंग टूल इतना ध्यान रखेंगे आपका यदि थ्रेड को 12 इंटू वन टू के रूप में एम एम ट्वेल्व इंटू वन पॉइंट टू के रूप नामित किया गया है तो वन पॉइंट टू फाइव करता है तो इसको डेजिग्नेटेड द इफ द अच्छा इसमें 1.25 क्या इंडिकेट कर रहा है तो बच्चों लास्ट वाला 1.25 तो ये तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमेशा क्या करता है ये m 12 1.5 में 1. टाइम क्या बताता है ये बताता है आपका पिच ये क्या बताता है बच्चों आपका ये बताता है आपका क्या बताता है आपका पिच क्या बताता है आपका पिच क्लियर हो गया पिच ऑफ द थ्रेड क्या बताएगा ये पिच ऑफ द थ्रेड क्लियर हो गया बच्चों

नेक्स्ट nice क्वेश्चन में आ जाते हैं और एक उपकरण के साथ ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग के संयुक्त चलन को क्या कहते हैं अ कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग विद वन टूल इज कॉल्ड सेंटर ड्रिलिंग गैंग ड्रिलिंग रेडियल ड्रिलिंग काउंटर बोरिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसी को तो बच्चों हम सेंट्रल ड्रिलिंग कहते हैं जब किसी ड्रिल से जब किसी ड्रिल से दो ऑपरेशन एक ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग दोनों एक साथ हो जाए तो ऐसी ड्रिल को हम क्या कहते हैं ऐसे ड्रिल को हम सेंटर ड्रिल कहते हैं ऑपरेशन को सेंटर ड्रिलिंग कहते हैं अच्छा क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है आपका पूछ रहा है वाल्व स्पिंडल में प्रयुक्त थ्रेड वाल्व जो आपके होते हैं उसके स्पिंडल में कौन से थ्रेड होते, हैं? एस में थ्रेड होते हैं बटरेस थ्रेड होते हैं वोम थ्रेड होते हैं या नकल थ्रेड होते हैं तो बच्चों उसके जो है नुकीले नहीं होते राउंड से होते हैं तो वो कौन से थ्रेड होते हैं आपके नकल थ्रेड कौन से होंगे बच्चों आपके नकल थ्रेड क्लियर हो गया नकल थ्रेड आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में 1.4 से 1.5 का कोटिंग फैक्टर किसके अंतर्गत आता है लाइट कोटेड मीडियम कोटेड या हैवी कोटेड तो किसमें आता, किस आता है बच्चों किसमें आता है 1.4 से 1.5 जो ये आपका मीडियम कोटेड इससे कम आपका लाइट कोटेड और इससे ज्यादा जो है वो हैवी कोटेड में आपका आता है क्लियर हो गया क्लियर हो गया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन विंचेस का प्रयोग किया जाता है विंचेस आर जब भी भार उठाना होता है जमीन के साथ भारी भार खींच के लिए रास्ते में किसी भी सत्ता पर आसानी से लुढ़कने के लिए उपयुक्त सभी तो बच्चों विंचेस क्या होता है ये यूज किया जाता है आपका जमीन के साथ भारी भार अगर आपको खींचना हो तो पुल हैवी लोड अलोंग द ग्राउंड उसके लिए हम क्या यूज करते हैं विंचेज यूज करते हैं क्लियर हो गया

जो डिग्रीज होता है आपका टेम्परेचर वो सौ से डेढ़ सौ होना चाहिए बहुत जल्दी ठंडा नहीं होना चाहिए क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है और इम्पोर्टेंट श्रेणी डी आग में शामिल ईंधन है

वायर के चारों ओर लपेटने के लिए सीट मेटल पर वायरिंग अलाउंस का तार बनाने के निम्नलिखित सूत्र वे वायरिंग अलाउंसेस ऑन अ सीट मेटल टू रैप अराउंड द वायर टू मेक अ वायर एज इज डिमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला ये सीट मेटल का बच्चों वायर uh, का जो आपका एज आप बनाते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसके वायरिंग अलाउंसेस जो होता है वो कितना होता है तो बच्चों हमेशा वो आपका होता है टू पॉइंट फाइव इंटू डी प्लस टी ये आपका इसका वायरिंग अलाउंसेस होता है नेक्स्ट क्वेश्चन किसी जटिल कार्य को अंदर से काटने के लिए धातु की चादर में प्रयुक्त होने वाली कहलाती है एवियन इसको क्या कहते हैं बच्चों? या aviation shears, क्या कहा जाता है बच्चों तो उसके कहा जाता है आप हॉक नेक्स्ट क्वेश्चन हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फोर्टी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है केवल नीचे की तरफ दांतों के साथ आयतकार वाली फाइल कहलाती है केवल नीचे की तरफ दांतों के साथ आयतकार वाली फाइल कहलाती है द फाइल हैविंग रेक्टेंगुलर सेफ विद टीथ ओनली एट द बॉटम फेस रेक्टेंगुलर सेफ होता है फाइल का लेकिन आपके जो दांतें होते हैं वो सारे के सारे बॉटम मतलब बॉटम फेस की तरफ आपके होते हैं तो उसको कहते हैं आप टिंकलर फाइल क्या कहते हैं आपका टिंकलर फाइल क्या कहते हैं टिंकर्स फाइल उसे कहते हैं तो ये बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे क्वेश्चन question क्वेश्चन थे आपके इसरो एग्जाम के तो इसी तरीके के से अगर आप चाहते हैं बच्चों इसी तरीके से जो ये सेशंस है एम सी क्यू सेशन ये फिटर के लिए कंटिन्यू रहे तो आप बच्चों लाइक एंड शेयर जरूर करें जरूर बच्चों अपने ग्रुप में शेयर करें क्योंकि अगर ये रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलता है एम सी क्यू सेशंस का तभी जो है ये क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रह पाएगी इसके अलावा बच्चों इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हा हमारा बार के लिए बच्चों एक नॉन टेक वाला प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक कोर्स जो है लॉन्च हो रहा है जिसमें हमारी नॉन टेक की जो टीम है डेडिकेटेड टीम है वो एक कोर्स जो है आप एक कोर्स के साथ जो है आपको प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो आप चाहते हैं बच्चों की प्रीलिम्स की अगर हम अच्छे से तैयारी करें तो आप ये कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं ओके बच्चों थैंक यू